So we start our discussion with the JFET, and JFET is basically the junction field effect transistor. Okay, before we basically go into the details of its operation and the construction, one of the important I think I like to highlight ke we could have a comparison between the JFET and the BJT. Basically, they are the main two transistors that we basically see in the electronics in the JFET. ठीक है, ये दोनों basically जो transistors हैं बड़े important हैं, क्योंकि जो phenomenon है behind the way which basically with which basically they control the current, ठीक है, वो different है दोनों devices के. Whether we talk about the BJT or the JFET, ये दोनों में different हैं. लेकिन अगर हम universally देखेंगे तो both devices consist of three terminals. ठीक है, whether we are considering about the BJT or we are talking about the JFET, both of the devices basically consist of three terminals. हमारे पास जो है BJT जो device है, so we have a base, an emitter and a collector. For the JFET we have basically the gate, we have drain and the source. ठीक है, when we talk about basically the BJT, basically the output current is called the collector current, and when you, in the JFET the output current is called the drain current. ठीक है, here we basically control the output current from the current with here we call the base current. तो हमारे पास जो इस टर्मिनल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है बेस करंट, दैट कंट्रोल्स दी दिस आउटपुट करंट. वेयर एज जब हम JFET की बात करते हैं तो इन टर्मिनल्स के दरमियान जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड द VGS, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज, दिस कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट ऑफ द ड्रेन करंट. सो ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली सी दैट हियर बेसिकली आपके पास एक करंट जो है वो आपके आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस. हियर वी कैन सी दैट कि आपके पास एक वोल्टेज इज कंट्रोलिंग द आउटपुट करंट, सो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस. सो इन बोथ ऑफ द डिवाइसेज आर बेसिकली थ्री टर्मिनल्स, बट the phenomenon, the idea जो इनके पीछे है जो control करने का वो different है. तो सबसे पहली चीज तो ये एक difference है. ठीक है, discuss about the construction and operation of the junction field effect transistor. And as you could see के जो construction में अगर हम देखें तो हमारे पास mainly एक दो regions हैं, P and NP. यहाँ पे जो और इसके अलावा हमने four metal contacts बनाए हैं. जो आपके पास ये टॉप वन है इसको नॉर्मली हम ड्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट ड्रेन. एंड देयर जो डाउन वन है नॉर्मली वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ सोर्स. ये जो मेटल कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, और ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, वी कॉल देम द गेट. सो ये बेसिकली इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है. Now we will basically try to see how this construction helps in controlling the flow of current. तो सबसे पहले जो condition है जिस इस operation में हम देखेंगे वो basically हम लेते हैं very simple condition कि हमारे पास VGS जो है that is equal to zero, gate to source जो voltage हमारे पास supplied है वो zero है, और जो हमारे पास VDS है that is basically greater than zero. So if we apply some voltage on basically the between the drain and source terminals and basically apply no voltage and between the gate to source terminal, तो इसकी condition क्या होगी, device कैसे operate करेगी, या what will happen. ये बड़ा simple से हम इसे start करेंगे trying to understand कि किस तरीके से field जो है वो आपके जो ट्रांजिस्टर है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रही होती है. क्लियर, दिस इज द वेरी बेसिक आइडिया बिहाइंड इट. सबसे पहली बात ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, और
प्रोडक्ट प्लस माइनस बीडीडी, ठीक है। और चूंकि हमने बेसिकली और ये जो हमारे पास सोर्स है वी विल कनेक्ट इट टू द ग्राउंड, इसके अलावा हमारे पास जो गेट टू सोर्स जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं उसको हमने जीरो करना है, तो यहां पे हम गेट और सोर्स के दरमियान भी एक कनेक्शन लगा देंगे। ऑब्वियसली दिस वुड सेट द गेट टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू जीरो, ये बेसिकली क्या करेगा कि गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है उसको जीरो सेट कर देगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी बेसिकली स्टार्ट, अब अगर हम यहां पे देखें तो हमें नजर आएगा कि एक ड्रेन और सोर्स जो है जस्ट दिस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग दैट इज द एंड टाइप जो हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है। और ये तो इन रियलिटी बेसिकली दिस एंड टाइप इज ए रेजिस्टिव बार, क्योंकि अगर हम इसकी देखें ना तो ये बेसिकली आपके पास एक सेमी कंडक्टर है दैट इज अ सिलिकॉन था, उसके अंदर आपने कोई डोपिंग डाल दी एंड ऑब्वियसली ड्यू टू दैट डोपिंग इसकी ऑब्वियसली कोई कनेक्टिव रेजिस्टिविटी होगी, तो ये सिंपल एक रेजिस्टिव बार है। ऑब्वियसली हमें नजर नहीं आता कि इसमें करंट कैसे कंट्रोल हो रहा है या फ्लो हो रहा है, लेकिन जो साथ में हमने दो रीजंस ऐड किए हैं पी टाइप रीजंस ऐड किए हैं, ड्यू टू दीज रीजंस आपके पास यहां पे जो है पीएन जंक्शंस बन गई हैं। हेयर एक पीएन जंक्शन बन गई और एक यहां पे पीएन जंक्शन बन गई है। एंड व्हेन यू बायस द डिवाइस तो ये जो पीएन जंक्शन है ऑब्वियसली इट विल क्रिएट इट्स इफेक्ट, और वो जो इफेक्ट है दैट विल ऑब्वियसली गेट इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ करंट, तो कि उस फ्लो ऑफ करंट को कैसे कंट्रोल करेगा तो वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस पहली कंडीशन के साथ वर्क करते हैं VGS इज इक्वल टू जीरो एंड VDS इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर क्या होता है डिवाइस के अंदर, यानी हम कहेंगे कि अच्छा डिवाइस के अंदर अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो हम अपने अब हो गए ये कि जब आप यहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहे हैं यहां पे VDS और आपके पास यहां पे आप नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, सो ऑब्वियसली होना तो ये चाहिए कि जी अगर ये एक सिंपल रेजिस्टिव बार है सो द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अब इसमें कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हियर टू दिस थिंग, लेकिन अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें जो कि हमारे पास अमूमन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो सकता है तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी कि आपके पास जो है यहां से द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर और भी सिंपल ये है लेकिन चूंकि जब हम इसमें अप्लाई करते हैं वोल्टेजेस जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली अगर हम यहां भी देखें तो हमने जो हमारे पास ड्रेन का टर्मिनल है इट इज एट ए हायर पोटेंशियल देन दिस टर्मिनल, तो अब ऑब्वियसली ये जो एन टाइप है आपका ये हायर वोल्टेज पे है और जो पी टाइप है चूंकि वो जीरो से कनेक्टेड है दैट इज एट द लो वोल्टेज। तो अगर हम सिंपल एनालॉजी लेंगे हमारे पास जो डायोड होता था लेट्स सपोज दैट इज द डायोड जिसको हम बेसिकली बनाते हैं इस तरीके से हैं कि हमारे पास यहां पे पी टाइप है यहां पे एन टाइप है, सो इसके हवाले से नजर आ रहा है कि यहां पे जो है आपके पास एक लो वोल्टेज कनेक्टेड है पी टाइप पे और यहां पे आपके पास एक हाई वोल्टेज कनेक्टेड है एट ए हायर लेवल एक वोल्टेज है एक लो लेवल है और एक हाई लेवल वोल्टेज है जो यहां पे कनेक्टेड है। और अगर हम इस फिलोसफी को लेकर चलो तो ये जो यहां पे जंक्शन है ऑब्वियसली हमें नजर आ रही है कि ये एक रिवर्स बायस्ड होगी रिवर्स बायस्ड होगी दैट इज इट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो जंक्शन पी एन जंक्शन होगी वो यहां पे रिवर्स बायस होगी और अगर वो रिवर्स बायस होगी तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट सर्टेन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि हमने रिवर्स बायस में पढ़ा था कि अगर आपके पास रिवर्स बायस है तो एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा और उसके और देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, यानी कोई भी करंट नहीं है यहां से कोई करंट जो है गेट करंट जो है वो जीरो होगा यानी नो करंट कैन फ्लो विदिन द गेट बिकॉज़ रिवर्स बायस्ड है। तो यहां पे आपके पास एक डिप्लीशन रीजन होगा जैसे करंट क्रिएट करेगा। अब यहां पे जो डिप्लीशन रीजन होगा उसकी साफ क्या होगी व्हाट विल बी इट्स शेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो थोड़े से मैं जिन्हें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे पास किस किस्म का डिप्लीशन रीजन बनेगा, क्योंकि अगर हमें सिंपली हम बात करें कि जिसका डिप्लीशन रीजन बनेगा वो इस तरीके से होगा कि वो थोड़ा सा ब्रॉड या विथ में ज्यादा होगा ऑन द अपर साइड, ठीक है। यहां पे जो आपके पास ऊपर की जो एरिया है इसमें ये वो ज्यादा होगा और इट विल बी स्मार्टर ऑन द लोअर साइड, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो ये स्मार्ट होता जाएगा और स्मार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां से लूं तो ये यहां से जाएगा और यहां पे ये स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। That is basically the idea behind it. अब इसका क्या रीजन है कि
ऑब्वियसली आप आपकी सवाल का जो भी जो सवाल होगा कि जी देखिए यहाँ पे पी टाइप की कोई डोपिंग थी वो भी हमने यूनिफॉर्म ली थी, कोई एन टाइप की भी डोपिंग है तो यूनिफॉर्म है, तो जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है व्हाई इज इट कि वो यहाँ पे जो है वो ज्यादा विथ ले रहा है और वेयर एज जो इसके जो नीचे एरिया है वहां पे वो विथ जो है वो कम ले रहा है, ये इसकी वजह क्या है, क्यों है ऐसा। तो आई विल ट्राई टू हाईलाइट कि बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, यानी क्यों ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू आंसर इट कि ये क्या वजह है, क्यों इस तरीके से है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर इन ए वेरी सिंपल एनालॉजी। अभी कंसिडर, तुमने कहा था कि जो हमारे पास ये एन टाइप जो मटीरियल है ये एक रेजिस्टिव बार है, सो लेट अस ट्राई टू रिप्लीकेट दिस एन टाइप विद द हेल्प ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज, इक्वल डिस्टेंस की रेजिस्टेंसेज, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड है तो हमने इसको चार रेजिस्टेंसेज से जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं उससे शो कर दिया। सो लेट अस सपोज कि हमने जो वीडीएस या वीडीडी जो अप्लाई की है यहाँ पे वो हमारे पास जो है वो 2 वोल्ट्स है। लेट्स सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यानी जैसे यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव 2 वोल्ट एंड हियर यू हैव 0 वोल्ट। तो अब होगा क्या, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक रेजिस्टिव बार है तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप हो रहा होगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट्स होगा। तो अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूँ यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 1.5 वोल्ट होगा, यहाँ पे मेरे पास 1 वोल्ट होगा और यहाँ पे मेरे पास 0.5 वोल्ट होगा। सो आई क्लियरली सी दैट ऑन द अपर पोर्शन यहाँ पे जो है वोल्टेज ज्यादा है, फिर यहाँ पे बीच में जो है वो उससे कम है और यहाँ पे जो बीच में वो इससे कम है। सो इन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो मेरे पास यहाँ पे जो एक पी एन जंक्शन बन रही है यहाँ पे तो मेरे पास 0 वोल्ट है, यहाँ पे तो आई हैव 0 वोल्ट, यहाँ पे जो मेरे पास वोल्टेज डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। सो जब मेरे पास डिफरेंस ज्यादा होगा तो जो डिप्लीशन लेयर बन रही होगी वो ज्यादा बनेगी, और जब यहाँ पे वो आएगा 1 वोल्ट तो फिर जब यहाँ पे देखूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा तो जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो कम हो जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ पे जब जाएगा तो ये यहाँ पे 0.5 वोल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो मजीद कम हो जाएगी। सो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट कि जो इस इधर जो डिप्लीशन रीजन की शेप है वो इस नेचर की क्यों है, वो नॉन यूनिफॉर्मली क्यों बन रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अक्सर जब आप स्टार्ट करते हैं या जेफ्रेट पढ़ना शुरू करते हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, क्योंकि यही जेफ्रेट का आइडिया जो है ये एज इट इज जो है मॉस्फेट में और फिर पावर मॉस्फेट में भी ये चला जाता है। सो आई होप सो कि ये जो अनइवन डिप्लीशन रीजन बनी है वो क्यों बनी है वो अब आए हम देखेंगे, इसी चीज को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू।